जैसा कि गाइस इंतज़ार की घड़ियाँ वैसे भी ख़त्म हो चुकी है और आपके सामने हमने कुछ अलग ही टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि ये जो छत के अंदर फिटिंग्स होती है, इसके अंदर वायरिंग वगैरह की फिटिंग होती है, वही का वही ऊपर की छत को मैंने सीधा नीचे लेके आ गया, मतलब उल्टी छत को मैंने सीधा कर दिया और इसकी वायरिंग को आपको हम समझाने वाले हैं। वायरिंग भी समझाएंगे और इसके अंदर कंसील्ड लाइट भी लगाएंगे और ये बोर्ड वगैरह भी लगाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर लंबी बन जाए तो उसके लिए सॉरी, और लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए। लाइक तो ज़रूर करना है और शेयर भी और कमेंट भी करना है, ताकि हम आपके लिए यही वीडियो और कुछ अलग तरीके से बना करके दिखाएँ। अभी तो मैं आप लोगों को सिंगल रूम की वायरिंग वगैरह बताने वाला हूँ, फिर अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो और भी गजब की आप लोगों के लिए वीडियो इसी टॉपिक और इसी तरीके से मिल जाएगी। दोस्तों मेरी पिछली वीडियो को आपने काफ़ी अच्छे तरीके से देखा है, इसी टेबल के ऊपर, इस टेबल के ऊपर मैंने सोचा वापस से कुछ नया किया जाए कि कोई भी नहीं कर सकता वैसी चीज़ हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसके ज़रिए आप एक कमरे की बिजली फिटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर एक कमरे की बिजली फिटिंग वाले मिस्त्री हैं, बिजली वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको एक कमरे की जो वायरिंग है वो प्रॉपरली समझ में आ जाए। मैंने वायरिंग को क्या है कि साइज़ वाइज साइज़ पहले से ही कट कर दिया, ताकि अगर आप लोग कमेंट वगैरह करेंगे तो मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको तरीका पूरा दिखा दूंगा कि किस तरह से साइज़ वाइज़ भी करते हैं, वायरिंग का कट वट करते हैं। हो सकता है आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी अगर मैं वायरिंग करता रहूँगा तो। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ़ैन बॉक्स से। पूरी वायरिंग की शुरुआत हमेशा आप फ़ैन बॉक्स से ही कीजिए। सबसे पहले हम सफ़ेद वायर लेंगे। सफ़ेद वायर पॉइंट का होगा और इसका साइज़ होगा 1 mm का। तो हम यहाँ से इस कंसील्ड लाइट के अंदर डालने वाले हैं। इन्हें किस तरह से बिजली फिटिंग के अंदर डालते हैं वो भी हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये कंसील्ड लाइट के अंदर छोटा सा वायर आ चुका है, इसके अंदर लाइटिंग वाइटिंग सब दिखाएंगे आपको। वीडियो को लाइक और देखते जाइए, पूरा कंप्लीट देखना है। और ये जो सफ़ेद वायर जैसे मैंने इसके अंदर डाला, इसके अंदर डाला, इसका साइज़ सीधा इस बोर्ड तक का ले लेना है। अभी यहाँ पर डालना नहीं है, अभी इसे यहाँ पर छोड़ देना है क्योंकि एक पॉइंट हो चुका है। दूसरा पॉइंट भी लगाते हैं, दूसरा पॉइंट भी उस कंसील लाइट में डाल देना है। इसे आप अपने घर की छत समझिए, इसे आप अपने घर की छत समझिए। और आप सोच लो कि ये वायरिंग जो आप कर रहे हो एक कमरे की छत की कर रहे हो। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, यहाँ पर एक और पॉइंट आ गया है, इसे भी आप यहीं पे छोड़ दीजिए। मैंने इस कंसील में और इस कंसील में वायरिंग एक एक तार डाल दिया है, इसमें डालना है और इसमें डालना है। तीसरे कंसील लाइट को भी इस तरह से ही डालना है। दोस्तों लंबी वीडियो बन जाए तो इसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोगों को काफ़ी इस वीडियो से मदद मिलने वाली है, आप एक कमरे की बिल्कुल अच्छे से वायरिंग कर सकते हैं। तो जैसे गाइस मैंने चारों के अंदर कंसील लाइट के अंदर मैंने चार वायर डाल दिए हैं, चार कंसील लाइट के अंदर। गाइस इसमें एक वायर आ गया, उसमें भी एक वायर आ गया, इसमें भी और इसमें भी एक एक वायर आ गया। यहाँ पर आप फैन बॉक्स के अंदर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 वायर यहाँ पर हमें देखने को मिल गया। अब आप कहोगे कि सर एक वायर से तो कुछ भी नहीं हो सकता, लोड ऑन नहीं हो सकता। अब न्यूट्रल हम वायर कैसे डालें? ये लोड जो वायर मैंने डाला ये फेज़ कनेक्शन है और यहाँ पर अब हम न्यूट्रल की ज़रूरत होगी, वो कैसे होगा? और न्यूट्रल का जॉइंट आखिर होता कहाँ है? आप लोग काफ़ी मुझे कमेंट भी करते हैं। न्यूट्रल का वायर आपको कुछ इतना सा ले लेना है, यानी कि यहाँ फैन बॉक्स से लेकर इस कंसील्ड बॉक्स तक ही लेना है, आपको बोर्ड तक नहीं ले जाना है, मतलब बिल्कुल भी बोर्ड तक यहाँ के न्यूट्रल नहीं ले जाना है। यहाँ फैन बॉक्स से लेकर इस कंसील लाइट तक आपको न्यूट्रल ले जाना है। जैसे आप देख रहे हैं मैं किस तरह से न्यूट्रल पहुँचा रहा हूँ, इसी तरह चारों में कर देना है। जैसे यहाँ पर न्यूट्रल आ गया है और इतना सा यहाँ पर न्यूट्रल छोड़ दिया गया है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा। चारों कंसील लाइट के अंदर आप न्यूट्रल को अच्छे से छोड़ दीजिए, साइज़ के हिसाब से छोड़ देना है आप लोगों को। दो कंसील लाइट का दो न्यूट्रल हो गया, तीसरे कंसील लाइट का तीसरा न्यूट्रल हो गया, तीनों का न्यूट्रल एक जगह हो गए और चौथा न्यूट्रल ये चौथे वाले कंसील लाइट के अंदर हम डाल देंगे। अब समझने वाली बात यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पहले तो देख लीजिए आप, सभी कंसील लाइट के अंदर दो दो वायर आ चुके हैं, न्यूट्रल और फेज़। वाइट वाला आप देख सकते हैं, वाइट वाले, काले वाले आप देख सकते हैं, ये ब्लैक वाले, इनके कनेक्शन मैंने न्यूट्रल को यहाँ पर ही छोड़ दिया है और मेन कनेक्शन जो होता है वो सीधा बोर्ड तक लेके आ गया है। इसका यहाँ तक, इसका यहाँ तक, जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंटों को मैंने सीधा बोर्ड के अंदर लेके आ गया। अब इन्हें कैसे डालना है और कैसे इनके न्यूट्रल को भी जोड़ना है? सबसे पहले हमारे पास चार पॉइंट्स है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और चार कंसील्ड लाइट के चार पॉइंट्स है।
मैं इन्हें सीधा बोर्ड तक ले जाता हूँ, यानी कि यहाँ से लेकर सीधा अपने वहाँ बोर्ड तक ले जाता हूँ, मेन बोर्ड तक, जिसके हम अंदर हम स्विचिंग वगैरह करेंगे, तो उसके अंदर मैं सारे वायरों को ले जाता हूँ। इसके साइज़ के हिसाब से मैंने काटा और अच्छे से ये पूरे वायर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन सभी के पॉइंट्स चारों तार इस बोर्ड के अंदर आ गए। अब वहाँ फैन बॉक्स के अंदर एक और पॉइंट आएगा, जो कि फ़ैन यहाँ पर लगेगा। इसका कौन सा वायर लगाना है, कैसे लगाना है? फ़ैन की वायरिंग डालने के लिए आप लोगों को पीला वायर या अदरवाइज दूसरा कोई सा भी कलर ले सकते हैं। ये क्यों होता है कि हम जब फ़ैन का जब कनेक्शन देखते हैं तो उसका कलर अलग ही होना चाहिए फ़ैन रेगुलेटर के हिसाब से। अगर हम फ़ैन रेगुलेटर को लाइट के अंदर गलती से लगा देते हैं तो ये गलती ना हो, इसलिए हम फ़ैन के अंदर पीला वायर ही रखते हैं। मतलब अदर कोई सा भी वायर, अगर आपने पॉइंट के अंदर पीला वायर रखा है तो फ़ैन के अंदर आप सफ़ेद वायर रख सकते हैं, और अगर आपने सफ़ेद वायर पॉइंट के अंदर रखा है तो आप फ़ैन के अंदर पीला वायर या कुछ अलग ही रखें। तो मैंने यहाँ से लेकर सीधा इस बोर्ड तक लेके आ गया इस पीले वायर को। ये देखिए दोस्तों, पीला वायर यहाँ पर छोड़ दिया। ये है फ़ैन का। असली समझने वाली बात ये है कि न्यूट्रल, सर असली बात तो ये है, न्यूट्रल कहाँ जोड़ें? सबसे पहले न्यूट्रल को आप एक न्यूट्रल का ये एक सिंगल वायर ले लीजिए, फ़ैन बॉक्स तक आप लाके छोड़ दीजिए। जैसे मैंने फ़ैन का ये जो पीला वायर छोड़ा है, उसी तरह इस ब्लैक वायर को भी इसी कंडीशन पर छोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हैं, इसको हम सिस्टम न्यूट्रल बोलते हैं। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं सिस्टम न्यूट्रल होता क्या है। सिस्टम न्यूट्रल होता है कि इन फ़ैन बॉक्स या कंसीलर लाइट के बॉक्स को वगैरह को चलाने के लिए ये न्यूट्रल अलग से डाला जाता है, इसको सिस्टम न्यूट्रल बोला जाता है। तो ये सिस्टम न्यूट्रल हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक डाल दी है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं सिस्टम न्यूट्रल बाहर आ चुका है, हमारे पास वायरिंग आ चुकी है 6। जैसे कि 4 तो पॉइंट हो गए कंसीलर लाइट के, एक हो गया फ़ैन का वो रहा फ़ैन, और एक हो गया इन सभी के न्यूट्रल। अब जोड़े कैसे? हमारे पास गिनती के कितने न्यूट्रल हैं? 1 न्यूट्रल, 2 न्यूट्रल, 3 न्यूट्रल, 4 न्यूट्रल, और एक मेन सिस्टम न्यूट्रल जिसके मैंने यहाँ पर टेप लगा दी है। इन सभी को एक जगह कर लेना है, मतलब जितने भी ये न्यूट्रल है, पहले आप कंसील लाइट के सारे न्यूट्रल को एक जगह कर दीजिए। मैंने कंसील लाइट के चारों न्यूट्रल को एक जगह कर दिया है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब मेन न्यूट्रल जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है मेन न्यूट्रल जो कि हमारे बोर्ड से आ रहा है सिस्टम न्यूट्रल, इसको भी आप ज्वाइंट कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर इसका न्यूट्रल कहाँ गया फ़ैन का, इसका भी न्यूट्रल अभी बताते हैं कहाँ से आएगा। फ़ैन का न्यूट्रल मैं लगा रहा हूँ पीला, ताकि आप लोगों को देखने में बड़ी ही आसानी हो, तो मैं पीले न्यूट्रल पीले को भी इस जगह पर जोड़ दूँगा, और अच्छे से जोड़ना है, और एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि जॉइंट वॉइंट किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर एक न्यूट्रल हो गया और बाकी कनेक्शन हो गए। इसे अच्छे से प्रॉपरली टेप करके इसे किसी भी एक पाइप के अंदर, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे पाइप्स लगे हुए हैं, किसी भी एक पाइप के अंदर घुसा करके छोड़ देना है। जैसे यहाँ पर मैंने इस पाइप के अंदर घुसाया, इस पाइप के अंदर घुसा करके, अब आप नहीं बता सकते कि यहाँ पर जॉइंट है या नहीं। दोस्तों कटवट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कट लगने के बाद ये फ़ैन बॉक्स के अंदर कनेक्शन टच हो गया तो आपके दीवारों में, नलों, नल वगैरह में करंट लग सकता है। यहाँ पर ये हो गया एक पीला फेस और एक पीला न्यूट्रल हो गया, और इन सभी के न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट कर दिए गए हैं। इसके अंदर अब हम लाइटिंग लगा सकते हैं, लेकिन अब आप कहोगे सर इसके अंदर रेड और ब्लैक वायर नहीं दिख रहा और अर्थिंग का वायर नहीं दिख रहा, इसे भी देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। चलिए वो भी वायर डालते हैं, और कैसे डालते हैं और कहां से आता है वो भी देखते हैं। मेरे हाथ में आप देख रहे हो 3 वायर, ये 0.75 mm का यानी कि अर्थ, ये है 1.5 mm का यानी कि मेन फेज, और ये है 1.5 mm का मेन न्यूट्रल। इनको किस तरह से डाला जाता है, कहाँ डाला जाता है, कहाँ से आता है, इनको डालने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से आप इनको भी, जैसे आपने इसको डाला, इसी तरह इनको भी डाल दीजिए। सीधे सामने वाले जो बोर्ड आप देख रहे हो उसके अंदर ये वायरिंग आनी चाहिए। हमारे पास ये 3 लाइट भी, 3 वायर भी आ गए हैं, जिसमें एक अर्थ है, एक फेज़ है, एक न्यूट्रल है, और एक फेज़ है जो कि 1.5 mm का है। ये कनेक्शन कहाँ हो रहा है इसका, और दूसरे बोर्ड के अंदर किस तरह से कनेक्शन आएंगे ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो पीछे हमारे पास 3 वायर बचे हैं, इनको आप एक जगह करके सीधा अगले बोर्ड के अंदर डाल दीजिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इन वायरों को डाल रहा हूँ और सीधा हमारा उस बोर्ड के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये जो न्यूट्रल और फेज़ है
आप देख सकते हैं वहाँ पर हमारे को वायरिंग पूरी देखने को मिल गई है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर न्यूट्रल और फेज़ आ गया है, यहाँ से सीधा बाईपास होकर सीधा इसके अंदर आ गया है। अब बात ये है, इसके अंदर बोर्ड लगाया जाएगा, 4 कंसीड लाइट लगाई जाएगी और आपको ये वर्क करवाया दिखा दिया जाएगा, तो वीडियो देखते जाएं। हमारे पास 4 वायर तो हो गए हैं कंसीड लाइट के, एक वायर हो गया है फ़ैन का, एक हो गया है सिस्टम न्यूट्रल और एक हो गया है 1.5 mm का मेन न्यूट्रल। ये हो गया 0.75 का अर्थ वायर। आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बोर्ड लगाना है कि भाई कितने पॉइंट यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो स्विच हैं और एक सॉकेट है। हम यहाँ पर फ़ैन रेगुलेटर अभी नहीं लगा रहे हैं, आप कमेंट कर दीजिए और फ़ैन रेगुलेटर लगा कर भी पूरा सेटअप बताया दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को सिर्फ सिंगल रूम की वायरिंग दिखाई, कनेक्शन आपको दिखाते हैं। यहाँ से लेकर के एक सफ़ेद वायर सीधा इस बोर्ड में आया, इस कंसील लाइट से सीधा यहाँ से लेकर के एक वायर इस सफ़ेद अंदर इसके अंदर आया, सीधा यहाँ से भी एक सफ़ेद वायर इसके अंदर आया और उस कंसील लाइट का भी सफ़ेद वायर इसके अंदर आया। न्यूट्रल कैसे आया? इन सभी के न्यूट्रल को यहाँ फैन बॉक्स में छोड़ दिया गया, छोटे छोटे इन चारों कंसील लाइटों के फैन बॉक्स के अंदर छोड़ दिया गया। यहाँ पर इन चारों को मिला करके एक न्यूट्रल यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके आ गए। ये क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वायरिंग होती है वो काफ़ी सारी वायरिंग बच जाती है, मतलब वायरिंग ज़्यादा खर्च करनी नहीं पड़ती है। इन दोनों के, इन चारों के न्यूट्रल को एक जगह करके हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सिस्टम न्यूट्रल बना दिया, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर जो मेन न्यूट्रल है ये सीधा उस बोर्ड में जा रहा है और एक फेज़ वायर यहाँ से लेकर सीधा उस बोर्ड में जा रहा है। यहाँ पर मैंने सर्किट वर्किट कुछ भी नहीं बना रखा, क्यों? क्योंकि अगली वीडियो में आप लोगों को MCB बॉक्स वगैरह सब लगा के दिखाया जाएगा, इसलिए मैं आपको सिंपल सोबर सिस्टम दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक जंक्शन है जिसके अंदर लगेगी लाइट, जो हम बाद में आपको कभी दिखाएंगे। तो इस तरह से इसके अंदर कनेक्शन हुआ। अब हम बोर्ड बनाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं वायरिंग मैंने निकाल दी है और इसे बड़ी आसानी से आप इस तरह से डाल सकते हैं। ये वायरिंग कुछ अलग से नहीं बनाई जाती, ये सिर्फ आप अपनी घर के जो वायरिंग कर रहे हो उसी से ही आपको ये वायर निकाल लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए ये किस तरह से अंदर जा रहा है, पूरे लाइन के अंदर इसे पार कर दीजिए। पार करने के बाद इसे आप यहाँ से कट कर दीजिए और इन सभी वायरों को आप टाइट कर दीजिए, ताकि यहाँ पर इन पर कौन सा कनेक्शन देना है, कौन सा नहीं देना है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से हम इसे पहले टाइट कर देंगे इन सभी वायरों को। इनको टाइट करने के बाद आपको इसके कनेक्शन भी बताने वाले हैं कि कनेक्शन आपको किस तरह से करना है। तो इस तरह से आप टाइट कर दीजिए पूरी वायरिंग को। और आपको फेज़ वायर में, यानी कि यहाँ पर लाइन दिखा हुआ आ रहा है, ये न्यूट्रल है। यहाँ पर जो फेज़ दिख रहा है L मतलब फेज़, तो इसको इस स्विच से कनेक्टेड करना है, ताकि जैसे भी हम स्विच ऑन करें तो इसकी सॉकेट फेज लाइन ऑन हो, ना कि न्यूट्रल लाइन ऑन हो। अब इसे हम इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं किस तरह से हमने जो वायरिंग की थी वो कनेक्शन कर सकें। तो जैसे गाइस, हमारे पास सफ़ेद वाले वायर जो थे वो 4 थे, यानी कि 4 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो चारों पॉइंटों को पहले मैं लगाऊंगा, फिर किसी वायर को अभी यहाँ पर नहीं लगाने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 वायर है, चारों वायरों में से मैंने सफ़ेद को, चारों वायरों को एक जगह पर कर लिया। अब इनके कनेक्शन किस जगह पर करें, जैसे आपके सामने यहाँ पर खाली जगह देख रहे हो, ये खाली जगह, ये रही खाली जगह, तो इन चारों स्विच के अंदर ये चारों वायर डाल देंगे, जिससे कि हमें फेज़ कनेक्शन मिल जाए। क्योंकि न्यूट्रल तो इसे मिल चुका है आगे से, न्यूट्रल अभी मिला नहीं है, वो सिस्टम न्यूट्रल अभी तैयार किया गया है लेकिन अभी सेट नहीं है। तो इस तरह से आप दूसरा भी फेज़ लगा दीजिए, यानी कि दूसरा कंसील लाइट का दूसरा वायर लगा दीजिए, तीसरे कंसील लाइट का तीसरा वायर लगा दीजिए और चौथे कंसील लाइट का चौथा वायर लगा दीजिए। हम आपको सिंपल और एक रूम की वायरिंग दिखा रहे हैं, ताकि देखिए बात यह है कि एक रूम की दिखाऊंगा तभी आप 10 रूम की का वायरिंग कर सकते हो। एक अगर मैं एक साथ 10 रूम की दिखाता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो एक रूम में जैसे फिटिंग होगी उसी तरह 10 रूम में भी फिटिंग होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 4 कनेक्शन फाइनल कर लिए हैं।
चारों कनेक्शन फाइनल होने के बाद आप ये कहेंगे कि सर अब इनका किस तरह से कनेक्शन किया जाए। तो यहाँ पर हमारे पास पीला वाला जो वायर था वो फ़ैन का था, यानी कि पंखे का था, लेकिन हम यहाँ पर रेगुलेटर नहीं लगा रहे हैं। रेगुलेटर वगैरह अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो पांचवा ये जो पॉइंट है ये भी इसी के अंदर जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये भी आप इसी के अंदर ही लगा दीजिए स्विच के अंदर। तो यहाँ पर स्विच हो गए हैं फाइनल, एक स्विच यहाँ इस सॉकेट का हो गया, एक स्विच फैन, और ये चारों स्विच कंसेंट लाइट के हो गए। यहाँ पर ये पूरा भर गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये चार वायर है, इनके कनेक्शन कैसे करना है। तो आइए इसके अंदर पहले रेड वाला देखिए, ये 1.5 mm का है, इसको आप फेज़ कनेक्शन दीजिए। जैसे आप इसमें इस पूरी लाइन में मैंने एक वायर डाला था, इस पूरी लाइन में से किसी भी एक को खोल लीजिए। मैं इसके पीछे वाले हिस्से को खोलता हूँ और इसी के अंदर मैं इस लाल वाले वायर को डाल देता हूँ, यानी कि फेज़ कनेक्शन को इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूँ, ताकि इस स्विचेस के जो फेज़ कनेक्शन है वो सारे ऑन हो जाए। ये देखिए आप अच्छी तरह से देख सकते हैं मैंने फेज़ कनेक्शन कहाँ दिया। देखिए यहाँ पर मैंने फेज़ कनेक्शन दे दिया। अब आप कहेंगे ये दो न्यूट्रल इनका क्या करें, ये दोनों न्यूट्रल आप क्या करेंगे एक जगह पर कर देंगे, यानी कि इन दोनों को आप क्या करेंगे, आप या तो सॉकेट में डाल दीजिए या इन्हें एक जगह पर कर लीजिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट दिखा रहा है न्यूट्रल का, इसे ओपन कीजिए। इसे ओपन करने के बाद इन दोनों वायरों को इसी एक के अंदर इंक्लूड कर दीजिए। मैंने इन दोनों वायरों को इस एक सॉकेट में डाल दिया। अब आप कहेंगे सर आप यहाँ पर कनेक्ट कर देते इन दोनों वायरों को, इसके यहाँ पर न्यूट्रल को कट लगा करके जो न्यूट्रल आ रहा है यहाँ पर भी तो जोड़ सकते थे। नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि हमारा जो जॉइंट में जो लोड पड़ता है वो अब नहीं पड़ेगा, अब यहाँ पर सारा लोड रहेगा। इस न्यूट्रल को अगर मैंने हटा दूँ तो सारी लाइटें वगैरह पंखे वगैरह बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये मेन न्यूट्रल और सिस्टम न्यूट्रल एक जगह होना ज़रूरी होता है। अब मैं क्या करूँगा, एक वायर और रह गया, अर्थ वायर। अर्थ वायर आप सभी को पता है कहाँ लगता है, अर्थ वायर बिल्कुल इसके टॉप पर लगेगा, ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ पर इस जगह पर अर्थ लगेगा। हमारा जो बोर्ड का जो कनेक्शन वगैरह है वो सभी फाइनल कर लिए गए हैं, जितने वायर थे हमने सारे कनेक्टेड कर दिए हैं, ये वर्क करने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग एक और लगाएंगे अभी बोर्ड, जो कि आपको दिखाने वाले हैं। जैसे गाइस आप इसकी वायरिंग तो जानते ही हैं, इसका एक कनेक्शन सीधा इस स्विच में आ जाएगा। यहाँ पर कौन से कनेक्शन होते हैं हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो न्यूट्रल कनेक्शन है ये बिल्कुल यहाँ पर करना है। दोस्तों न्यूट्रल और फेज बिल्कुल सीधे और हर जगह सही तरीके से लगाना होगा, क्योंकि कल को आप इन्वर्टर वगैरह लगाते हो तो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, भविष्य में कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आ सकती अगर आप लाइनों को सीधा लगाओगे तो। मतलब या तो आप उल्टा लगा दोगे तो बिल्कुल भी कहीं पर कोई रूम में लाइट जलेगी कोई रूम में लाइट नहीं जलेगी, इस तरह से हो जाएगा अगर आप कनेक्शन वगैरह उल्टे करते हो। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सादा और बिल्कुल सिंपल है, इस तरह की एक वीडियो भी बना रखी है मैंने यूट्यूब चैनल पर, डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये अर्थ हो गया और बिल्कुल हमारा ये स्विच बोर्ड फाइनल हो गया है, इसे भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे। अब बारी आती है कंसेंट लाइटों की। हमारा ये सारा सेटअप चलने के लिए एकदम रेडी और एकदम तैयार है। एक फ़ैन है और चार कंसेंट लाइट और एक ये बोर्ड और एक ये बोर्ड, ये सब चलने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी है। इसके अंदर अब हम डालेंगे कंसीड लाइट, एक एक लाइट डालेंगे और एक यहाँ पर फैन लगाएंगे। यहाँ पर एक राउंड शीट आती है, ये राउंड शीट आप इसके अंदर यहाँ पर सेट कर सकते हो, जिसमें आप होल्डर भी लगा सकते हो और बिल्कुल इसे प्लेन भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आप रख सकते हो। ये राउंड शीट सिर्फ इसी लिए बनाई गई होती है कि आप होल्डर भी लगा सकते हैं और यह आपकी जंक्शन के अंदर जो गैप दिखता है वो सब ख़त्म हो जाता है। ये देखिए जैसे गाइस हमारे पास चार कंसील्ड लाइट है, ये देखिए आपके सामने ये कंसील्ड लाइट है, इनको हम कंसील्ड लाइट के अंदर सेट करेंगे और एक फ़ैन यहाँ पर फैन अटैच करेंगे। इसके अंदर हम जोड़ेंगे लाइट को, कंसील्ड लाइट बड़ी अच्छे से जोड़ना है और जॉइंट करते समय टेप जब आप लगाते हो तो उस टेप को इतना अच्छा लगाइएगा कि कभी ये टेप खुले नहीं या कहीं से गैप ना दिखे। अगर कहीं से टेप के अंदर गैप दिख रही है या कहीं से खुल गया
तो ये जो कंसील बॉक्स है इसके ऊपर कनेक्शन टच हो जाएगा और आपके सरिये वगैरह में या हर जगह नल वगैरह के अंदर आपके बहुत ज़बरदस्त करंट फैल सकता है। इन्हें बड़ी आसानी से आप डाल सकते हैं। ये जो आप जगह देख रहे हो, इस जगह के अंदर ये स्प्रिंग बड़ी आसानी से सेट हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कंसील लाइट आप सेट कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम फिट हो गई है कंसील लाइट। इस तरह से आप चारों कंसील लाइट सेट कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पर चारों कंसील लाइट लगा दिया है। अब हम लगाएंगे फैन, जो कि किस तरह से सेट कर रहे हैं। आपको पता है उल्टी छत में सीलिंग फैन नहीं लग पाता, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फ़ैन इसके अंदर अटैच कर देंगे। वो फ़ैन तो इसके अंदर आपको पता है उल्टा कैसे लटकाते हैं, तो हम यहाँ पर एक फ़ैन को सेट कर दिए हैं इन दोनों न्यूट्रल फेस के अंदर जोड़कर। तो गाइस, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लगा दी है। अब ये वर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप बेताब रहिए, इसको वर्किंग करते समय आपको देखना है तो आप थोड़े से इंतज़ार कीजिए। ये तो नहीं चल पाया। अब आप कहेंगे, सर आप तो बिल्कुल पागल हैं, मेन कनेक्शन कहाँ देंगे, आपने तो पूरी वायरिंग को ही छोड़ दिया है, अब इसमें आप मेन वायर कहाँ लगाएंगे। तो चलिए वो भी बता देते हैं। मेन सर्किट वायर काफ़ी लोग क्या कर देते हैं, जो हम मेन लाइन लाते हैं, वो मेन लाइन करीब करीब यहाँ पर जो न्यूट्रल और फेज़ आप देख रहे हो यहाँ पर, इन दोनों को कट लगा करके जॉइंट कर देते हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। आपको जब हम पाइप लगाते हैं, सर्किट पाइप जिसे हम MCB तक ले जाते हैं, उस पाइप को मैंने यहाँ पर अभी इंस्टॉल नहीं किया है, दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर मेन लाइट कहाँ से आएगी, मान लीजिए यहाँ पर मेन सर्किट पाइप है, मेन सर्किट पाइप के अंदर आपको क्या करना है, मेन लाइन आएगी सीधा, ये आ रही है MCB बॉक्स से, इसका एक अर्थ वायर भी आएगा। MCB बॉक्स से ये तीनों वायर आएंगे, ठीक है। इन तीनों वायरों को आप कहाँ जॉइंट करोगे, इन तीनों वायरों को आप या तो इस बोर्ड के सर्किट में लेके आइए या फिर यहाँ से उस बोर्ड के सर्किट में लेके आइए। वहाँ उस बोर्ड में काफ़ी सारे वायर है, इसलिए नहीं ले जा पाते। इस बोर्ड के अंदर आप ले जा सकते हैं यहाँ से इस सर्किट को। ये जो वायर है, ये मेन जो MCB बॉक्स पैनल लगा हुआ होता है वहाँ से आता है। इसके कनेक्शन कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसे पहले आप बोर्ड तक ले जाइए, न्यूट्रल फेज और अर्थ। तो आपके सामने यहाँ पर तीनों वायर आ चुके हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये आ गए हैं तीनों वायर। इनको कनेक्टिंग कैसे करनी है, याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी मेन वायर को जॉइंट मत कीजिएगा, वो भी फैन बॉक्स के अंदर। काफ़ी लोग गलतियाँ कर देते हैं। हाँ, हालांकि छोटे मोटे अगर काम है तो उसमें देख सकते हैं आप, छोटा मोटा काम में, बाकी बड़े काम के अंदर अगर आप काफ़ी बड़ा काम कर रहे हो, बहुत सारी लोड वगैरह है वहाँ पर आप बिल्कुल भी जॉइंट मत कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मेन सर्किट वायर को आप बोर्ड तक लेके आइए, जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। जैसे गाइस आप देख सकते हैं, अर्थ का अर्थ में, फेज़ का न्यूट्रल, का न्यूट्रल में, फेज़ का फेज़ में। अब यहाँ पर ये बोर्ड कसने के लिए बिल्कुल फ्री है, पूरा ध्यान रखिएगा वायरिंग करते समय। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जॉइंट बिल्कुल ना करें, आपको हमने बता दिया है कि किस तरह करना है जिससे जॉइंट हमारा ना हो। तो ये यहाँ पर करंट जाएगा और सीधा उस बोर्ड के अंदर लाइन आ जाएगी। मैं अभी स्विच ऑफ करता हूँ और लाइन को कनेक्टेड करता हूँ। तो दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, हमारा जो वो फ़ैन है वो ख़राब हो गया है, मतलब वो ख़राब ही था, मुझे पता नहीं था। तो मैं आप लोगों को इस बल्ब के ज़रिए शो करवाऊंगा कि फ़ैन का जो कनेक्शन है वो भी ऑन हो गया है। तो हम तैयार हैं, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये वर्किंग कर रहा है। वर्क ऑन।
ये सामने वाली एलईडी, ये ग्रीन लाइट, ये रेड लाइट और वो ब्लू लाइट और ये फैन। तो गाइस एकदम परफेक्ट है। ये फैन ऑन, ये लाइट ब्लू, ये रेड, ये ग्रीन, ये ब्लू। दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें चालू हो गई है। हमारा जो काम है दोस्तों परफेक्टली पूरा हो गया है। हमें चेक करना है सॉकेट्स को कि सॉकेट में किस तरह से लोड चल रहा है। मैंने लगा दिया है इस सॉकेट पे एक मशीन और चालू करके देखता है। गाइस ये सॉकेट तो चल गया। अब सामने वाला सॉकेट, ये वाला सॉकेट भी चेक करते हैं। गाइस तो आप देख सकते हैं किस तरह से वर्क कर रही है लोड। तो गाइस ये काम देखने में भी आसान आपको दिख रहा है, करने में भी आसान हो सकता है अगर आप इलेक्ट्रीशियन की पूरी सलाह ले करके अगर ये काम करें। दोस्तों मैं आपको सलाह देता हूं कि इलेक्ट्रीशियन से पहले पूछ कर ही ये सब काम करिएगा, क्योंकि ये काम काफ़ी रिस्की भी है। और आपने देख लिया है कि किस तरह से मैंने यहाँ पर सेटिंग की, वायरिंग की सारी चीज़ें बता दी है। अब आप लोग हमें कमेंट कर दीजिए कि और इससे भी अच्छी और वीडियो आप लोग बनाइए। तो चलिए दोस्तों हम बाय बाय, हम चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।